फ्रेंड्स, वेलकम टू मनप्रीत का खाना खजाना। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है मदर डे स्पेशल, जिसे कि बच्चे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और कुछ ही मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये है ब्रेड जैम रोल, जो कि कुछ ही समय में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को देखते हैं और बनाते हैं ब्रेड जैम रोल, जो मदर्स डे स्पेशल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ले लेंगे हम फ्रूट जैम। ये मिक्स फ्रूट जैम है, आप किसी भी फ्लेवर का जैम ले सकते हैं। तो जैम को पहले हम बिल्कुल अच्छी तरह से फैट करके इसे पतला कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे बिल्कुल ही लम्स फ्री कर लिया है, इसमें कोई भी गुठली नहीं रह गई है। तो इसके बाद हम लेंगे क्रीम। तो अभी मैंने ले ली है व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम को मैंने खुले बर्तन में डाल दिया है और इसे हम बीट करेंगे। तो अभी हमने व्हिप क्रीम को व्हिप कर लिया है। ये मैंने 1 कप व्हिप क्रीम ली थी, तो इससे मेरी इतनी क्रीम बन चुकी है। तो हमारे 2 इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं। अभी हम लेंगे ब्रेड। तो ब्रेड को लेकर के इसके जो एजेस हैं, इसे हम अच्छे से नाइफ से अलग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने अपनी सभी ब्रेड्स के एजेस को काट करके बिल्कुल क्लीन कर लिया है। तो अभी हम इन्हें साइड में रख देंगे और इसे अच्छे से हम बेल करके इसे पतला कर लेंगे। इसी तरह से हमने इसके जितने भी पीसेस आपने ऐड करने हैं, उन्हें आपने रोल कर लेना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 2 ब्रेड्स को जोड़ लिया है और जो हमने जैम को पतला किया हुआ था, इसे हम अच्छी तरह से ब्रेड्स के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो हमने जैम को अच्छे से स्प्रेड कर दिया ब्रेड के ऊपर। अभी हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे और उसे भी ब्रेड्स के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। तो मदर्स डे पे बच्चे इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं घर पे ही पड़े हुए सामान से। तो इस तरह से हम इसे सारी ब्रेड्स के ऊपर इवनली लगा देंगे। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इस पे चोको चिप्स डाल सकते हैं, चेरीज डाल सकते हैं, या न भी हो चेरी तो आप इसे वैसे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे स्प्रेड कर दिया है और अभी हम ले लेंगे पार्चमेंट पेपर। तो इस तरह से मैंने इसे पार्चमेंट पेपर के ऊपर सेट कर लिया है। अभी हम धीरे से इस तरह से पार्चमेंट पेपर को उठाएंगे और इसे हल्का सा प्रेस करते हुए इसे हल्का सा हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से एक फोल्ड करेंगे और सेकंड दूसरी तरफ से भी हम इसे उठाएंगे और इसी तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसे टाइटली गोल घुमाएंगे और इसे 15 मिनट के लिए हम फ्रीज में से सेट। तो आफ्टर 15 मिनट हमारे जो रोल है वो सेट हो चुका है और इसे हम धीरे से अपार्चमेंट पेपर से अलग कर देंगे। आप देखोगे कि कितने अच्छे से हमारा जो रोल है वो सेट हो चुका है। अभी हम फिर से इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगा देंगे, अच्छे से इसे स्प्रेड करेंगे। तो इस तरह से व्हिपिंग क्रीम लगाने के बाद मैंने ये प्लास्टिक की शीट ले ली है, तो इससे हम इसे बिल्कुल प्लेन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे बिल्कुल ही प्लेन कर लिया है। अभी जो हमने जैम को फैट करके पतला किया था, उसे मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में ले लिया है और इसे छोटा सा कट लगाएंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। इसे इस तरह से आप किसी भी तरह से इस पे ऊपर डिज़ाइन बना करके इसे शेप दे सकते हैं। देखो कि बहुत ही सुंदर लगता है, बच्चे जिस तरह से भी उनका मन करे वो इसे डिज़ाइन दे सकते हैं। अभी हम इसके बाद ले लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। ये मेरे पास नारियल का बुरादा पड़ा हुआ था, तो इसे हम अच्छे से इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। आप इसे सभी तरफ से इसे स्प्रिंकल करेंगे।
तो फ्रेंड्स इंस्टेंट आपके सामने ही ब्रेड रोल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये ब्रेड रोल जो जैम लगाकर बनाए गए बेकरी में बहुत ही टेस्टी मिलते हैं, बट उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस मदर्स डे पे आप इसे बना करके या अपने आपके बच्चे हैं उनसे बनवाइएगा, तो उनको भी अनुभव हो जाएगा कि हमें किस तरह से कुछ बनाना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे अच्छे से ब्रेड जैम रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बाय बाय और इन्जॉय कीजिए।